पुरामुळे बिहारचं चित्र हे असं दिसतंय. 13 जिल्ह्यांना पुराच्या पाण्यानं वेढलंय. सरकारी आकड्यानुसार या पुरात 33 जणांचा मृत्यू झाला, तर मधुबनीमध्ये बंधारा फुटल्यामुळे अनेक गावं पाण्याखाली गेली आहेत. बाबू घर में बाहर निकले घर में कब हुआ है क्या ना बजे रात को हुआ था छत पे बहुत आदमी था कोई आवाज नहीं किया हम लोगों का चार तला घर था दूसरे के छत पे किसी ने कुछ नहीं किया जब पनिया जाहिद को सब बुला रहा था तो सब बोले कि आए घंटा में आ रहा आधा घंटा में कोई नहीं बच्चा बस चार पांच आदमी बच्चे कितना आदमी धा के चला गया कुछ नहीं बचा. पाचशे 75 गावांमधल्या जवळपास 27 लाख लोकांना या पुराचा फटका बसलाय. नेपाळच्या कोसी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे आणि त्यामुळे तिथे धरणाचे 56 दरवाजे उघडावे लागले. यामुळे उत्तर बिहारमधल्या नद्यांची पातळी अचानक वाढली आणि लोकांची पर्यायी निवाऱ्यासाठी शोधाशोध सुरू झाली. बिहारमध्ये सध्या 185 तात्पुरती निवारा केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत, पण पुराची दाहकता बघता ही संख्या तुटपुंजी आहे. हमारा सबका खाना भी आ रहा है वहीं पे एनएच पे गिरा के चला जा रहा है. यहाँ तक नहीं नहीं यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है. जहाँ पे हमारा सबका नुकसान हुआ वहाँ पे कुछ आया ही नहीं रहा, जहाँ पे नहीं नुकसान हुआ वहाँ पे छोड़ रहे हैं. बिहारच्या आपत्ती निवारण दलाच्या म्हणण्यानुसार सध्या 1 लाख लोकांपेक्षा जास्त जणांनी निवारा केंद्रांमध्ये आसरा घेतलाय, पण तितकेच लोक अजूनही पुरात अडकले असण्याची शक्यता आहे. यहाँ पे दो टीम NDRF की दो टीम है. 35 के स्ट्रेंथ है हमारे पास अभी, यानी 70 जवान है NDRF के हमारे यहाँ से झंझारपुर में लगे हुए, प्लस SDRF भी कहीं पे काम कर रही है. ऐसा है फंसे होने की संभावना तो अभी कोई किसी की नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ पे छः बोट चल रही है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमारा रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है. कोई भी रेस्क्यू ऑफिसर कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है. जब टूटा था जिस दिन बांध को, उस दिन का ये कंडीशन था, आज के कंडीशन में नॉर्मल है, बट फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है. या परिस्थितीत बिहार सरकारनं पीडितांना 6,000 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे, पण पुराचं पाणी ओसरण्याचं नाव घेत नाहीये.